है ठीक है, अभी इस लॉक को भी मुझे डालना पड़ेगा। अरे बार बार क्या हो जाता है, मेरा फोन ही अजीब है। माइनक्राफ्ट, अरे टाइप कर दिया, अरे गलत टाइप कर दिया मैंने। हाँ हो चुका है अभी ये, और मेरा एक्सपी लेवल 50 पे है। क्यों 50 पे है मैं देख रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपके लिए एक सरप्राइज है, क्योंकि आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट 20 के शुभ अवसर पे विदर बॉस की तैयारियां। और इसके लिए मैंने 100 विदरों को मारा, 100 200, और काफ़ी सारे मॉब्स मारे, और मेरा तब जाके 50 XP हुआ। और मुझे इसको मारने की आ गई थी जब, तब मुझे नोटिस हुआ कि मेरा तो 50 XP हो चुका है। और मैंने अपने घोड़े को भी मारने का सोचा था, और मुझे माइनकार्ट मिल, और मैंने एक बोर्ड भी बनाई जिसे हम लोग ब्लेजर को ला सकते हैं, पर आयरन बॉल हम नहीं ला सकते। ठीक है, और ये है लूटिंग की शॉट, लूटिंग 3 है ये, आप लोग जहाँ तक देख सकते हो इधर। और मैं विदर के डर से मैं काफी डर गया, पर अब मोड पे आज नहीं, इस मोड पे नहीं, इस मोड पे आज से हम लोग इस मोड पे खेलना स्टार्ट करेंगे। ऊपर मॉब स्पॉन हो सकते हैं क्योंकि नीचे कोई लाइट नहीं है, और स्केली स्पॉन होए भी तो हमारा जो टबरू हो सिया टबरू है, नहीं मैंने मतलब इसका नाम मैंने रखा नहीं, चलो मट्टी रख देते हैं। इधर मैंने ये वूल लगाई है, मट्टी रख देते हैं, इसका नाम हम लोग रखेंगे मट्टी। किसी मॉब की हिम्मत है मेरे घर पे आने की? है हिम्मत? ओ ये ज़ॉम्बी की है, ये नोक बैग भी है, स्पाइडर की भी है, रखते हिम्मत। पर हम लोग किसी से डरते नहीं, तो अपनी आयरन सोर्ड लेके आता हूँ मैं। अरे भूख लग रही है, कुछ खा लेते हैं मैं। क्या लो, और मुझे मिला एक विदर स्केलेटन स्कल, और मैंने 100 200 विदर्स को मारा। मेरी बीट भी बड़ी हो गई है, काफी दिन बाद मैंने सेडर्स लगाया है। इतने दिनों तक तो मैं नॉर्मल खेलता था, पर आज मैं और इधर मैं एक एक्वेरियम बनाने वाला हूँ, इसलिए मैंने इधर एक ग्लासेस का ये बनाया है। इनको तोड़ दो, अरे खाना नहीं है तुझे, इनको पहले तोड़ दीजिए। अरे इसको तोड़ना नहीं था, चलो तो कोई नहीं। और इधर हम लोगों को बनाना है एक एक्वेरियम, इसका साइट किसका हम लोग अगले पार्ट पे सोचेंगे, पार्ट 21 पे। और ब्लैक क्लू गेमिंग इनको काफी ऊपर के पार्ट में बनाएंगे मुझे पता है। और अमित कैन 22, और मैं अपने घोड़े को इधर बांध के रखा है, मैंने लेट करके रखा है, इतनी ज्यादा भूख लग गई मुझे। नेदर अब काफी डेंजरस हो चुका है, तुम्हें भी नेदर जाना नहीं है। और मैंने ये कैट टेम किया है, तो इस कैट के लिए लगता है मुझे वो कौन बाहर निकला था, वो अगर हम लोग इसको मारते हैं तो ये हमें मारेगा। मारा भी, इतनी हिम्मत है तेरे पे, मेरे पास डायमंड सॉर्ड है। और ये इसका नाम क्या रखें, सोचने दो।
अभी फिलहाल तो इसका नाम लोग नहीं रखते। तो अभी देखता हूँ क्या हो सकता है हमारे एन्चेंटमेंट पार्ट पे, होगी एनविल से एन्चेंट करे या फिर वो क्या बोलते हैं ना उसको, ना क्या बोलते हैं, हाँ एन्चेंटमेंट टेबल से एन्चेंट करे। तो कुछ एन्चेंट्स तो मैं अपनी स्वॉर्ड पे करूँगा, कुछ पिकैक्स पे, क्योंकि हमें पिकैक्स ज़रूरी होने वाला है। अब अपनी ड्रामर ये क्या है, ये नहीं अनब्रेकिंग ज़रूरी है, अनब्रेकिंग। और मैं लैपिस लाना भूल गया, गधेरा लैपिस लाना भूल गया। ठीक है, तो काइन मास्टर से मैं फेस कैम करने की कोशिश करूँगा। मेरे पास काइन मास्टर पड़ा हुआ है, या फिर मैं फिल्मोरा से करूँगा। ये क्या हो रहा है बार बार हमेशा, मेरा स्प्लिट बंद हो जाता है। स्प्लिट मेरा मतलब दौड़ने वाला बंद हो जाता है, ये दौड़ेगा नहीं अब। ये जब तक उस कंट्रोल को करते नहीं तब तक ये दौड़ने का नहीं, खोरे से ही जलते हैं लोग, चलते हैं हम लोग। मेरी हेल्थ काफ़ी कम है और मेरे पास खाना भी नहीं है, और लीड है क्या मेरे पास, हाँ लीड है। इसको हम लोग अभी अपने घोड़े ये हमें परेशान कर रहा है, घोड़े को ऊपर नहीं लेने, और मुझे कोको भी लाने पड़ेंगे। ओ मैं ना जंगल से कोकोस लाया था, एपिसोड की तैयारी कर रहा था मैं, जैसे कि अजीब चीज़ें की एपिसोड, और मैं ये भी काम कर नहीं रहा है, ये काम करेगा नहीं। मुझे एक विदर वाला बनाना पड़ेगा, विदर वाला जिसको बनाया है ब्लैक हूल गेमिंग ने बनाया था। ये भी स्प्लिट नहीं करेगा, देखते हैं इसको ठीक कर रहे हैं। सेटिंग्स दौड़ने का कहाँ पे है, स्प्लिट पे जाके देखते हैं हम लोग। ये तो नहीं करना है हमें, ये है हमारे सेडर्स का वो चीज़। ये तो है हमारे रिसोर्स पैक की वीडियो पे मैंने आपको बोला था। ठीक है, तो अगला रिसोर्स पैक का दौड़ेगा नहीं अब, क्या करनी चाहिए। और एंडर ड्रैगन को मारने के लिए ये एंडर बल ज़रूरी है। अभी एक आयरन पिक ले लेता हूँ, और ये रही मेरी आयरन सोर्ड अनब्रेकिंग वाली, और थोड़ा सा गोल्ड ले लेता हूँ ताकि गोल्ड की सोर्ड ले सकूँ। तो मेरे पास तो स्टिक ही है नहीं, बनाया था वो की क्राफ्टिंग रेसिपी कुछ ऐसे आपको हमारी हेल्थ पहले से ही लो
बस आ चुका हूँ और अभी रात हो रही होने वाली है। और मैंने एक कैटोग्राफी टेबल भी किया था, दूसरे वाले से लेकर आया था मैं कैटोग्राफी। You can only sleep at night. ये क्या क्या हम लोग सिर्फ रात को सो सकते हैं? सेटिंग्स की बिल्कुल नहीं, बिल्कुल वैसी है। You can only sleep at night. क्या फिर थोड़ी देर इधर मैं पिस्टन्स लगाऊंगा इधर और वो खींच देगा इन इधर के ब्लॉक्स को, तो इन इनका मैं काम करूंगा पर कुछ पार्ट्स बात कुछ पार्ट बाद आएगा। ठीक है तो अभी चलते हैं। You can only sleep at night. रात हो रखी है। देखिए क्या दिन है? ओ बस दिन हुआ है। आपके जब जाना है अलाउड ही नहीं तो आप मर जाओगे सीधा। ये नॉर्थ ने ऐसे क्यों नहीं पता नहीं। और ये मोबाइल पे चलाना काफी डिफिकल्ट है, काफी हार्ड है वो तो मोबाइल पे चलाना। मैं जावा एडिशन खेलता हूँ, उस पे बोट चलाना इजी है गलत। और मैं उधर जा उस तरफ, तो चलते हैं उस तरफ। हमारे विलेज वैसे तो पास आ चुका है। आपको इसको बोट को चलाने के लिए आपको दोनों बटन्स को प्रेस करके रखना है। ये जो दो बटन दिख रहे हैं उनको प्रेस करके रखना है। वो हमारा विलेज है तो और भी सामने मिलेगा विलेज। सौ पे सौ मिले जा रही है। ठीक है तो विलेज मिलने वाला है नहीं, तो चलते हैं वापस। जब बोट चलाना आता नहीं है तो बोट चल वो क्या था वो बस फिश थी। मैं बताऊंगा कि माइनक्राफ्ट पे कैसे बनाते हैं फिशेस, वो तो जब मैं अगले पार्ट पे एक्वेरियम पूरा करूंगा उस पार्ट पे आएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि जब मैं एक्सबॉक्स लाइव साइन अप करूँगा तब पॉकेट को ज्वाइन कर लूँ, पर उस पे सिर्फ काफी कम लोग आ सकते हैं और वो चुनता है लोगों को जो MCPE है, वो लोगों को चुनता है डायरेक्ट, कोई अंदर प्रवेश नहीं कर सकता पॉकेट पे। और मैं एक रिहम बनाऊंगा, रिहम में तो सिर्फ 10 लोग आ सकते, तो मैं एक सर्वर बनाऊंगा जब मैं एक्सबॉक्स लाइव साइन अप करूंगा। अगर मैं अपने एक्सबॉक्स लाइव कोड पे डालूं मेरा एक्सबॉक्स लाइव अकाउंट, मतलब मैंने अपना एक्सबॉक्स लाइव अकाउंट बोला, आप लोग उसको हैक मत कर देना।